सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी चौपाई तो सिखन जो मनी ना बात हमसे तुरक कब मारे जात असी चिड़िया वैसानी बाज हम छेले वै बिगाड़न साज। वाहे गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल चवर शतर तख्त के मालिक साहिब कमाल दसम पातशाहियां दे पावनात्मक स्वरूप गरीब नवाज सतगुरु जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरदेव जी दे पावन पवित्र चरणा कवलां पास संध्या दे दीवाना विच हाजरियां भर रही गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आप सरबत गुरसिख संगतां बड़भागी हो। लड़ीवार गुर इतिहास सरवण करन वास्ते सतगुरां दे प्रेम अंदर भिज बैठे हो। कल दे प्रकरणा विच आपां सरवण कीता सी भाई रतन सिंह जी भंगू उन्हां नूं कैप्टन मरी ने सवाल कीता कि खालसे दी उत्पत्ति जिस तरह होई जिस तरह खालसे दा समय दे बादशाहां नाल वैर वध्या उह सारी गाथा मैनूं सुणाओ क्योंकि समय का बादशाह राज करदा है उहदी रईयत आकी हो जाती है कि समय के बादशाह नूं पता नहीं लगता कि उहदे कोल फौजां नहीं सन कि उहनां दे कोल कोई सियाणा बंदा नहीं सी कि उहनां नूं परख सके। भाई रतन सिंह जी कहन लगे कि गुरु का जिहड़ा खालसा है ये अपने आप दे विच पातशाह ते किसे दे लुकाया लुकदा नहीं ते खालसे दी उत्पत्ति जुलम दी जड़ पट्टण वास्ते गुरु साहब ने कीती है। जदों समें दे हुक्मरान ये कहन लग पए कि सानू गद्दी सानू राज गुरु नानक साहब ने नहीं दिता है तां पैगंबर ने दिता है जुलम करन लगे तो उन्हां दी जड़ पट्टण वास्ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ने विचार कीती है कि पहाड़ी जिहड़े राजपूत राजे ने इन्हां नूं खंडा फड़ा दईए ते इन्हां नूं राज लैके दईए। फिर सतगुरु सोचण लगे भी जिहड़ी मुफ्त दी नियामत है उन्हां नूं क्यों दित्ती जाए ये पातशाही ये राज भाग जिहड़ा गरीबां नूं दिता जाना चाहिए इस करके जिहड़े गरीब हन जदों उन्हां नूं राज देंगे जिन्हां बारे अज दे लोग ये कहिंदे ने कि ये जट बूट इन्हां नूं कित्थे राजनीति का पता है असी इन्हां नूं पातशाही देंगे तो ये मुगलां का नाश करनगे। इन गरीब सिंघन को दया पातशाही ये याद रखें हमरी गुरियाई ये याद रखे कि सानू गुरियाई धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने दिती है। सुआव अगले प्रकरण प्रेम नाल सरवण करिए मन बिरतियाँ एकागर करन वास्ते सरबत संगतां जपना करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ जो भई तो सिखन जो मनी ना बात। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह सिखा नूं कहन लगे भाई उठो शस्त्र पकड़ो ते मुगलां दा संघार करो मुगलां दा नाश करो असी तुहानूं पातशाही बादशाही देना चाहुंदे हां। ये बचन सुन के जिहड़े सिंह सन वह कहन लगे महाराज तुरकां कोल फौज बड़ी है वो अपनी जमीन थोड़ा छड़ देंगे ते नाले साढ़े पास इन्नी ताकत समर्था नहीं कि असी तुरकां नाल लड़ सकीए। इस तरह गुरु साहब के कहे हुए बचन सिखां ने मन्ने नहीं हन। हम ते तुरक
ਮਾਰੇ ਜਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵੈਸਾਨੀ ਬਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤੜ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਜ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਬਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਛੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜ ਬਘਿਆੜਾ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਮਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹਰਨ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦੇਗਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਮ੍ਰਿਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਈਏ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਸਿਪਾਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਬੂਟ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਨ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਖੰਡਾ ਫੜਾ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਧ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ,
महाराज ने अपना चरण अमृत सिखा पिलाया। ये विधि विधान से उदों सिख बनाने का, तो बाद विधि विधान इस तरह हो गया कि चरण का जोड़ा अंगूठा सी धो के तो चरणामृत सिखा पिलाते सन। तो सतगुरु जी सोचण लगे भी इस करके सिख ना शांत स्वरूप ने, क्योंकि इन्होंने सतगुरु साहब जी के पावन चरणा कमलों की जी चरणामृत पाहौल है वह प्राप्त की है। इन्हों दे विच उपमा तो रहत जिहड़ा तेज प्रताप है ना, वह है नहीं, शांति स्वरूप ने। ते तुरकां नाल लड़न वास्ते मैनू तेज धारी सिख चाहिए ने जिहड़ा उन्हां दा मुकाबला कर सकण। इस तरह कुछ सिख सेली ते टोपी आदक जिहड़ी आ उह धारण करदे ने ते अपने आप नूं दास कहाउंदे ने वी असीं सेवक आ, असीं दास हां। असल कारण यह है भी इन्हां विच दया बहुत ज़्यादा है, ये दया दे धारनी ने। इस तरह नहीं इन्हां नूं शस्त्र फड़ाया जा सकता, इस तरह ये तुरकां दा मुकाबला नहीं कर सकणगे। हुण समां आ गया कि सिखां दा जिहड़ा सरूप है उहनूं पलटा दिता जाए, बदल दिता जाए। इहो जिहा तेज धारी सिख होना चाहिए कि जिहदा सरूप वेख के भी वैरी थर थर कंबन लग जाए। इसे प्रकार इन्हां दा जिहड़ा नाम है वह तेज प्रताप वाला नाम होना चाहिए। इहो जिहे नाम गुरु साहब अपने खालसे नूं बख्शना चाहुंदे हन। इन्हां नूं एक महाप्रताप धारी कला धारी चरण जिहड़ी पाहुल है वह तैयार करके छकाई जाए, तां कि इन्हां दे अंदर तेज प्रताप, इन्हां अंदर कला वध जावे। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने यह विचार अपने चित्त दे अंदर धारण कर ली है। विचार करके कलगीधर जी ने उद्यम किया कि खालसा पंथ सजा दिता जावे। साध संगत जी सतगुरु चाहते ने कि मेरे सिंह छतरी रूप में योध्या के रूप में होण ते वेखण विच सोहणे सुंदर लगण। इन्हां दे सीस दे उपर केस होवण ते केसां दे उपर दस्तार दमाले आदक बन्ने होवण ते वेखण विच इउं लगण जिवें बादशाह होवण। इस तों पहलां भी कुछ जिहड़े राजपूत राजे सन उन्हां दे नाम दे नाल सिंह शब्द लगदा सी, जिवें राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, ये गुरु घर के श्रद्धालु भी रहे ना राजा जय सिंह वर्गे। सो इस प्रकार उन्हां दे नामां दे नाल भी सिंह शब्द लगता सी। ते सतगुरु चाहुंदे ने कि मेरे जिहड़े सिख होवण हर किसी के नाम के नाल सिंह शब्द जरूर लगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने जाणिया भी यही भला है मेरे सिखां वास्ते। एक नाम वो है जिहड़ा नाम सानू माता पिता देंदे ने, एक वो नाम है जिहड़ा गुड़ती विच मिलदा है। सिंह नाम ते कौर शब्द जिहड़ा है ये खालसे नू गुड़ती विच प्राप्त होंदा है। अमृतपान करते ने छोटे बच्चे, जदों बच्चा जन्म लैंदा, जिवें कल भी दास ने बेनती की सी कि जिहड़ा अमृत संस्कार मर्यादा है, अमृत संस्कार भाव जदों बच्चा जमदा उहनू अमृत संचार करना, उहनू गुड़ती देनी अमृत दी। फिर हुक्मनामा लै के महाराज कोल अरदास करके ते जिहड़ा पहला अक्षर उहदे ते बच्चे दा नाम रखना, बाणी दे अनुसार के नाम दा कोई मतलब कोई भाव होवे ते नाल सिंह शब्द लाउणा, ये शब्द जिहड़ा गुरु साहब दे चरणा विचों सिख नूं प्राप्त हुंदा। ना तां दोनों ही गुरु साहब दे चरणा विचों प्राप्त हुंदे, एक नाम असीं अपनी मर्जी नाल रख लैने आ ते दूजा सिंह शब्द जां कौर शब्द ये गुरु दी मर्जी है। ते पर अज दा समां खैर थोड़ा बदल गया भी असीं जदों नाम रखदे आं ते सोचदे ने भी बच्चे दा नाम रखना की है, इहो जे नाम भी लोग रखदे वेखे भी जिन्हां दा मतलब ही कोई नहीं निकलदा। ते साध संगत बच्चे दा नाम ओह होवे जिस नाम दे विच्चों कोई मतलब निकलदा होवे। सो इस करके सतगुरु कहिंदे ने कि यही भली गल है कि इन्हां नूं सिंह शब्द कौर शब्द दिता जाए, ताकि इन्हां दा तेज प्रताप वध जाए।
मद ठटी। इस प्रकार खंडे दी पाल छकाण दी जेड़ी विचार है सतगुरां ने चित विच धारण कर ली है। सोचते ने कि इस तरह खंडे बाटे दी पौल प्राप्त करके मेरा खालसा हठी हो जाएगा। इस प्रकार कहते हैं कि दूसरों की पातशाही खोनी किन्हां दी जिहड़े जुलम करते ने, यह समय के बादशाहां दी पातशाही खो के पातशाही नूं अपने कोल रखणगे ते इन्हां नूं राज करन दी आदत पै जाएगी। इस तरह दा मैं हठी खालसा पैदा करांगा। इस प्रकार साध संगत जी कहिंदे हन्ने हन्ने पातशाही होवेगी। इहदा भाव है घोड़े की काठी अगे ना एक कीला हुंदा किल जिहा हुंदा है, ओनू हन्ना कहिंदे ने जिहदे विच लगाम अटकाई जांदी है। तो इहदा भाव भाई कान सिंह नाभा ने इस तरह लिखिया कि हर एक असवार जिहड़ा घोड़े ते बैठा वह अपने आप च पातशाही है, ओनू पातशाही लैण दी लोड़ नहीं। जिन्हें भी सिंह ने ना संसार दे अंदर सारे सिंह जिहड़े ने वह अपने आप विच पातशाही ने। गुरु साहब ने एड्डी वड्डी दात सानू बख्शिश की, इस तरह इन्हां दी हन्ने हन्ने पातशाही होवेगी। सतगुरु कहिंदे इन्हां नूं लोहे वांगू बना देना है। पहला वेखो लोहा जिहड़ा उहनूं पिंगलाया जांदा अग्ग विच पा के, फिर उहनूं कुटिया जांदा है, कुट के फिर वह शस्त्र बनता है ते उही शस्त्र कट्टण वढ़ण दे काम आउंदा है। पहला इन्ना कुछ सहिंदा है फिर मुड़ के आप वढ़ण दे काम आउंदा है। ते मेरा खालसा जिहड़ा लोहे दे वांगू करारा होवेगा, जिहड़ा दुष्टां दा घात करेगा। जदों खंडे दी पौल प्राप्त कर लैणगे टुकड़े टुकड़े हो जाणगे पर पिछे नहीं हटणगे, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। बाबा दीप सिंह जी शीस धड़ दे नालों जुदा हो गया फिर भी मैदानी जंग विचों पिछे नहीं हटे। एक बचन पढ़न प्राप्त होया कि साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी की छाती दे विच शरीर विच उन्होंने 392 तीर वजे। जदों उन्हां दी शहादत होई मुगलां नूं पता लग गया भी गुरु का पुत्र आ गया ते टुट के पै गए साहबजादे उपर, ते तीरां दी बछाड़ कर दित्ती 392 कहने सौखे ने। यह हुंदा पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। ते सतगुरु कहिंदे खंडे दी पौल छक के ना एडे बलवान हो जाणगे कि टुकड़े टुकड़े हो जाणगे ते मैदानी जंग विचों पिछे नहीं हटणगे। खालसो होवे खुद खदा जिम खूबी खूब खदाए। सतगुरु कहिंदे मेरा खालसा खुद खुदा होवेगा, जिम खूबी खूब खुदाए, जिमें चंगियां खूबियां। वैसे परमात्मा है ना सर्वगुण संपन्न है, उहदे विच सारियां खूबियां ने परमात्मा दे विच। जिस तरह परमात्मा दे विच सारे गुण हन, इन बिन इसे प्रकार मेरा जिहड़ा खालसा है खुद खुदा होवेगा, वह सर्व गुण संपन्न होवेगा। खालसे का आखरी अर्थ की है? आपां कहिंदे आ भी शुद्ध, पर खालसे का एक आखरी अर्थ भाई कान सिंह नाभा करदे कि वह जमीन जिस जमीन दे उपर समय दे पातशाह दा बादशाह दा सीधा हक होवे, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ। ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੋ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵਾਂਗੂ ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ 9-6 ਆ ਗਈਆਂ ਇੰਚੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ।
पहला सिंह शस्त्रा तो बिना कदे रहिंदे नहीं सन। शस्त्रहीन ना कबहू होई महाराज का हुक्म भी सी। उन्हें वेख्या निहंग सिंह नूं वड्डे दमाले चक्कर सजाए शस्त्र धारण किए हुए ते कहिंदा राज तां साडा ते इह साडे राज दे विच शस्त्र धारण करके तुरिया जांदा ते पुछण लगा तेरा मालक कौन है। बरछा कोल सी आकाश वल चुक दिता। अकाल पुरख मालक कौन है? कहिंदे मेरा मालक अकाल पुरख है। उन्हें आख्या तेरा मालक कौन है? कहिंदा जी अकाल पुरख, ओ मेरी सरकार है। फिर कहिंदा जमीन ते तां राज साडा है। अंग्रेज कहण लगा जमीन ते राज साडा है, इत्थे तेरा मालक कौन है? बरछा घुमा के पुठा धरती च गड़ दिता। आखन लगे इत्थे खालसा खुद खुदा है, खुद सरकार है, खुद पातशाह खुद बादशाह है। मैनू किसे दी बादशाही दी लोड़ नहीं, मैनू किसे पातशाह दी लोड़ नहीं, इत्थे मैं अपने आप विच खुद खुदा ते खुद पातशाह हाँ। वाकया ही खालसा जेड़ा वो आप पातशाह है। खुदा भी गुरु ने बना दिता ते गुरु साहब ने खालसे नू पातशाह भी बना दिता, दोनों दातां दित्तियां। इत्थे धरती दे उपर जे किते अकाल पुरख दे सरगुण दर्शन करने होण ते खालसे दे दर्शन हुंदे ने। इस करके सत संगत जी, महाराज ने सानू बड़ियां वड्डियां दातां दित्तियां, पर असी वो सारियां गल्लां भुला के ते होर ही चक्करां विच पए होए आं। जिहड़ी खूबी गुरु साहब ने सानू दित्ती, वह खूबी छड के पीरां फकीरां मंदरां दे विच जा के किसे धार्मिक स्थान का सत्कार करना, वह खालसे का धर्म ते फर्ज है। किसे नू मंदा नहीं बोलना, यह खालसे का धर्म है, भावें कोई भी मजहब दुनिया विच होवे। पर अपने इष्ट नू छड के कच्चे पिलियां की पूजा करनी, ये भी खालसे नू हक गुरु साहब ने नहीं दिता। असी नहीं किसी की पूजा कर सकते कच्चे पिले की। सानू केवल एक दी पूजा करन दा हक गुरु साहब ने दिता है, वह अकाल पुरख गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने। दादू दी समाध कोलों दसवें पातशाह लंघे ना बाणी दा पाठ करके ते तीर दी मुखी नाल नमस्कार कर दिती। तीर दी मुखी नाल तीर ही झुकाया मूहरों। सिंह कहण लगे महाराज आ की कीता है? सानू कहिंदे हो वी किसे अगे मथा नहीं टेकणा। ते आप जी ने तीर दी मुखी नाल नमस्कार कीती है। गुरु साहब कहिंदे भाई तुहाडी परख करन वास्ते अज मैनू माण है ते मैनू भरोसा है कि मेरा खालसा अपने आप विच पूरन है। कहिंदे सिंघां ने गुरु साहब नू तनखाह लाई। वेखो किड्डी वड्डी गल है। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुरु चेले नू तां तनखाह ला सकदा है, पर चेला गुरु नू कदे तनखाह ला सकदा है? आपे चेला आपे गुर चेला है आपे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी ये बाणी कहिंदी है कि परमात्मा दा जिहड़ा सेवक है, जिहड़ा सतगुरु है, कहिंदे सतगुरु चेला भी आप है ते गुरु भी आप है। जदों तुसीं गुरु साहब की गुरता गद्दी वाली मर्यादा पढ़ोगे ना, ये गल गुरु नानक साहब तो ही समझ पैनी शुरू हो जाती। आपे गुर चेला है आपे। पहला गुरु सन गुरु नानक साहब, अपनी गद्दी ते भाई लहणा साहब जी नूं बिठा के गुरु अंगद देव साहब जी का नाम बख्शिश करके उन्हां नूं नमस्कार कीती। गुरु नूं गुरु ने चेला बन के नमस्कार कीती है। ते दसवें पातशाह जी ने उहदा स्वरूप बदल के प्रतख कर दिता कि मेरा खालसा मेरा गुरु है, खालसा मेरो सतगुर पूरा ते मैं इन्हां दा चेला हाँ। दुनिया दे विच अपना स्वरूप अज तक किसी भी पैगंबर ने अपने चेलियां नूं नहीं दिता, जिहड़ा स्वरूप दसवें पातशाह ने अपने खालसे नूं बख्श दिता है। इस करके खालसा खुद खुदा है ते एक सच्चे अकाल पुरख तो बिना किसी की ईन नहीं मनदा। भूतां प्रेतां नूं पूजणा, मड़ियां नूं पूजी जाना ते जा करके मसाणा आदक दी पूजा करनी। गुग्गा ते सुल्तान हो गया सखी सरवर आदक, इन्हां नूं खालसा कदे नहीं मनदा। जागत जोत जपै निसुबासुर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर, बड़ी मठ भूल ना मानै। भुल के भी नहीं मनदा, ना गुग्गे नूं मन्ने, ना मड़ी नूं मन्ने, ना मठ नूं मन्ने, ना मसाण नूं मन्ने। दास ने पिछे भी बेनती की है
कि इन्हां नूं पूजांगे ते अधूरे रह जावांगे ते गुरु घर विचों खुशियां नहीं मिलणगियां। सिख भी बन गए ते नाल गोगा भी पूजी गए। आ जिवें इक दुकान ते कई फोटोआं लगियां सन, कई फोटोआं लाई फिरदा सी सारिआं दीआं, देवी देवते जो भी आए सी विचारे ने जिथों जिहड़ी मिली ला लई। मैं पुछिआ भी इन्नियां फोटोआं इक अद्धा ही ला लै भी इक ते भरोसा रख लै। कहिंदा चलो कोई मन जाएगा आपां नूं की है, कोई तां मन्नेगा इन्हां विचों। साड़ी हालत इदां दी हो गई, चलो गुरुद्वारे नहीं मिलिया तो फलाने बाबे को चलो, उतों नहीं मिलिया जी फलाने को चलो, फलानी देवी दे मंदर चलो, गुगे कोल चलो, किसे पंडित कोल चलो, किसे मलाने कोल चलो। इहो जी बिरती असी बना बैठे साचे साहिबा, क्या नाहीं घर तेरा। लोग कहिंदे ने साडा गुरु भी गुरु ग्रंथ साहिब है, असी इहनूं मत्था टेकदे हां, गल मत्थे टेकण तक नहीं। इत्थे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दी विचारधारा नूं जिंदगी विच ढालण दी जरूरत है। मत्था टेकना बहुत वड्डी गल है, गुरु ग्रंथ साहिब नूं जिहड़ा नमस्कार करदा उहदे वड्डे भाग। ते केवल इन्नी गल कह देनी भी मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकदा हूँ, साडा भी गुरु, असीं भी मन्नदे हाँ गुरु ग्रंथ साहिब नूं, तुहाडे मन्नण ना मन्नण नाल कोई फर्क नहीं पैणा। फर्क उस दिन पैना जिस दिन असी गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा मनना शुरू कर दिता। उत्थे फिर गुरु नानक साहब जी कहते, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछे पछुताए, कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। उत्थे तो फिर उन्हां दी महिमा ही कहण कथन तो परे आ जिहड़ा इस विचारधारा जिंदगी विच धारण कर लैंदा। इस करके खालसा भूतां प्रेतां मड़ी मसाण गुगो सुल्तान पीर फकीर आदक इना चों किसे नू भी नहीं मनदा, केवल एक अकाल पुरख दी ईन मनदा है। ना वो टिक्का लाउंदा है, ना गल दे विच जनेऊ पहनदा ते ना धोती पाउंदा है। एक सुनहरे विच खांदे ने, एक सुनहरे विच खाण तों भाव है वेखो जदों अमृत पान करीदा ना, पहला पांच सिंह साहिबान सानू अमृत पान कराउंदे ने, ते बाद विच एक ही बाटे विचों सानू सारिआं नूं अमृत छकाया जांदा है। ते जिहड़ी कड़ाह प्रसाद दी देग बणदी है ना, बाद विच कड़ाह प्रसाद दी देग भी इक्को बाटे विच ही छकाई जांदी सी। हुण दा तां पता नहीं, समें समें नाल कुछ मर्यादा जिहड़ियां हैन उह बदल गईआं ने, हर किसी ने अपनी मर्जी नाल, क्योंकि पहलां केवल बड़े दल नूं हुक्म सी महाराज दा भी तुसीं अमृत पान कराउणा, उही अमृत छकाउंदे सन पूर्ण मर्यादा नाल। समय समय नाल कुछ चीज़ां असीं अपने हाथ विच लै लईआं, जिहड़ा हक गुरु साहिब ने पंथ नूं दित्ता सी, हर किसी ने अपनी मर्जी करनी शुरू कर दित्ती, मर्यादा च फर्क पैणा ही सीगा, ते तां ही तां साडे विच इन्नी कच पिल रहि गई। उहदा कारण इह सीगा, अमृत उही है पर उत्थे मर्यादा विच फर्क पा दित्ता गया। सो इस करके गुरमुखो, मर्यादा सब तो वड्डी चीज़ है, ते गुरु साहिब मर्यादा नाल प्रेम करदे ने, तां ही कहिंदे ना रहणी रहै सोई सिख मेरा, जिहड़ा रहणी विच रहिंदा उही मेरा सिख है। रहत प्यारी मुझ को रहत प्यारी गुरु नूं, अपनी मर्यादा गुरु नूं प्यारी है। इस करके गुरमुखो, टिक्को जनेऊ पहरे ना धोती, एक सुनहरे खाए बहु गोती। एक सुनहरे दे विच बह के सारे जिहड़े गोती खांदे ने, किसे तरह का भेदभाव जिहड़ा उह नहीं कीता जांदा। इतनी बात विचार कर उते बात नहीं चीन। जदों सिखां ने आख्या महाराज असीं तां हरणा वांगू हाँ ते शेरां नाल किवें लड़ांगे, ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने यह सारी गल अपने हिरदे विच जान लई, ते खालसे नूं प्रतापी बनाउण वास्ते विचार कर लई है। महाराज धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी श्री केसगढ़ साहब की धरती ते गए। वेखो किले का नाम गढ़ नाम किले का, उस पवित्र स्थान का नाम भी केसा ते पाया गया केसगढ़ साहब, ते सतगुरु जी ने उत्थे विराजमान हो करके उद्यम किया है। इसे प्रकार भला ते संगा चंगा जेड़ा समा जान करके, भला चंगा समा जान के गुरु साहब ने तैयारी कर ली। अमृत वेले दा समा सी, श्री आसा की वार दे पावन बाणी दे कीर्तन दा भोग पिया, ते उपरंत सच्चे पातशाह जी अपनी नंगी तलवार लैके
स्टेज पर आ गए तो आवाज़ मारी, सिंगो मैनु एक सीस की जरूरत है, कोई गुरु का प्यारा उठे तो मैनू आ करके अपना जेड़ा सीस है वह भेट करे। की भजंगी छांट पंज बड़ा भारी उथे इकट्ठ सीगा, 80,000 का इकट्ठ कई ने लिखा, उन्होंने पांच सिंह महाराज ने जेडे सन वो छांटे, भजंगी शब्द वरते आ। आप कहने जी फलाने का मुंडा ढमकाने का मुंडा, मुंडा उन्होंने कहें जो मुंडन किया होनू मुंडा कहते हैं। महाराज ने तो सानू आख्या भी भजंगी शब्द वरतो सप, ये सप दे वांगू ने। जफरनामे विच भी आख्या की होया जे चार पुत्र शहीद कर दिते, महाराज कहिंदे मेरा हले जिहड़ा खालसा जिहड़ा कुंडलिया सप है ना ये हले जिउंदा है, इस करके भजंगी कहना चाहिए। इसो लड़की होवे ते उहनू भजंगण ते लड़का होवे ते उहनू भजंगी शब्द नाल वरतना चाहिए। इत्थे की ए भजंगी छांट पंज, महाराज ने 80,000 दे इकट्ठ दे विचों पंज भजंगी छांट लए ते पंजे जात गणाए, उहनां दीआं अलग अलग जातां सन, इस प्रकार पंज भजंगी लए उठाए, वड्डे इकट्ठ विचों पंज भजंगी उठा लए हन। सतगुरु महाराज जी ने चार वर्णा नूं एक भरा बना दिता भी अज तों बाद तुसीं भरा हो, किसी ने जात वात दा भेद फर्क नहीं करना। सब तो पहला भाई दया सिंह उठे जदों सीस महाराज ने मंगया, सोफती जात भाव खत्री जात दे सन, ते लाहौर दे रहन वाले सन, उथे अपना कर्म करदे सन, बख्यात प्रगट सन हर पासे भाई साहब भाई दया सिंह जी सब तो पहला उठे। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहन लगे, दया सिंह जी तुरकां नाल तुहानू लड़ाउणा है, जंग करवाउणा है तुहाडे कोलों। कहन लगे महाराज काम हमारा तोलन तकड़ी नंदी नंगी करद कदी नहीं पकड़ी, साडा काम है तकड़ी तोलना। दुकान का काम करदे सन, परचून का काम करदे सन, साडा काम है तकड़ी तोलना, नंगी करद कभी नहीं पकड़ी। मैं तो नंगी करद नहीं कदे फड़ी, जिहड़ी श्री साहब असीं पाउने उहनू करद कहिंदे ने, छोटी श्री साहब नूं मैं तो कदे इहनू नहीं फड़िया। चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, मुगलन से कैसे लड़ पाऊं, चिड़ी उड़ जावे ते डर दे नाल मर जाईदा, ते महाराज मैं मुगलों नाल कित्थों लड़ लवांगा। गुरु साहब कहिंदे भाई दया सिंह इसे करके मैं खालसा पंथ सजाउण लगा। भाई दया सिंह नूं महाराज अंदर तंबू विच लै गए, सीस धड़ दे नालों जुदा कर दिता। एक आखे जी पड़दे दी गल है गुरु जाने, कई आखे जी बकरे चटकाते, इदां दा कुछ नहीं सी, गल प्रताखी है, ये गल पड़दे दी नहीं, गल प्रताखी है कि महाराज ने सीस लए ते सिख दा भरोसा होना चाहिए, महाराज ने सीस ही लए ने। ते जदों बाहर आए ते नंगी तलवार जिहड़ी लहू नाल लिबड़ी हो लिबड़ी सी, ते तख्त ते आके दूजा सीस फिर गुरु साहब जी ने मंगिया, भाई उठो कोई दूजा सिंह उठ के अपना सीस भेट करे। ते इस प्रकार दूजे धर्म सिंह हस्तनापुर वासी, जिहड़ा हस्तनापुर है नगर, उस नगर दे रहण वाले कहिंदे तीजे दूजे गुरसिख भाई धर्म सिंह जी उठे हन। इसे प्रकार कहिंदे उह जात दे जिहड़े जट सन, इस प्रकार उजड़े सन के जैसे शिव दीआं जटावां दे विचों गंगा प्रगट होई। ते दूजा अर्थ इह वी कीता गया है शिव जटो प्रकाशी, जिवें शिव ने अपनियां जटावां विचों जो पैदा कीते उहनूं जट आख्या गया। इस तरह कहिंदे उह जट जात दे सन ते हस्तनापुर दे रहण वाले सन। ते तीसरे भाई मोहकम चंद जी उठे जिहड़े द्वारका नगरी दे रहण वाले सन। भगत नामदेव जी भी उस इलाके दे सन, ते इस तरह जाणो जिवें भगत नामदेव जी का अवतार आ गया होवे। इसे प्रकार जदों चौथी बार आवाज मारी ते भाई साहिब सिंह जी उठे ने जो जात दे नाई सन। इसे प्रकार कहिंदे हन जिथे भगत सैन जी रहिंदे सन, भगत सैन जी उस ही नगर दे उस इलाके दे उसी जात दे रहण वाले सन, क्योंकि वह भी नाई सन भगत सैन जी, ते वह मुठ्ठी चापी करदे सन भगत सैन, ते उही कर्म जिहड़ा सी वह अगों बाबा साहिब सिंह जी करदे सन।
इस प्रकार कहिंदे जात दे नाई ते भगत सैन जी जिहड़ा कर्म करदे सन ते जिथे रहिंदे सन उस ही इलाके दे रहण वाले भगत भाई साहिब सिंह जी हन। पंचम हिम्मत सिंह चीवर कहिए। इसे प्रकार जिहड़े पंजवें सिंह सन भाई हिम्मत सिंह जी जिहड़े चीवर जात दे आखे जांदे हन। इस प्रकार पांच भजंगी सन जिहड़े पांच जातां दे विचों जानी दे ने। भाई दया सिंह जी खत्री सन लाहौर दे रहण वाले, भाई धर्म सिंह जी जट सन, भाई मोहकम सिंह जी इसे प्रकार साध संगत जी ओ द्वारका नगरी दे रहण वाले सन, भाई साहिब सिंह जी नाई सन, भाई हिम्मत सिंह जी और चीवर सन। इस प्रकार पांच जिहड़ियां वखरियां वखरियां जातां ते उन्हां दे विचों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पांच भजंगियां नूं छांटिया है। खंडे बाटे दी पाउल सतगुरां ने तिआर करवाई है। सतलुज दे दरिया विचों जल लै करके आए ते सतगुरु महाराज ने जदों उहदे विच खंडा फेरना शुरू कीता ते उस वक्त माता जी आए ते माता जी ने आ करके जिहड़ी मिठाई सी, मिठाई दा भाव ही जिहड़े पतासे सन मिठास सी, उह लिया के जल दे विच पा दित्ती ते उत्थे हुक्म भी होया सी महाराज दा, भले समें तू चल करे आई नीर मध मधुराई पाई, चंगे समें तू आई है जल दे विच आ के मठियाई पा दित्ती ते मेरे खालसे दा आपसी बड़ा प्रेम होवेगा, ये प्रेम दे नाल आपस विच रहा करनगे। पर एक समा इहो जिहा सी जदों सिंघ सिंघ लई जान वार देंदे सन खिमा करनी, अज उह समा जदों एक दूजे प्रति ईरखा ही पैदा हो गई है। उहदा एक बहुत वड्डा कारण है महाराजा रणजीत सिंह ने आखरी वचन कीते सन जदों उहना आखरी दरबार लाया, शेरे पंजाब ये गल कहण लगे भी तुहानू मार तां कोई नहीं सकदा पर जिस दिन तुहाडी तलवार दी पाण तुहाडे लहू च उतर गई ना तुहानू बचा भी कोई नहीं सकदा। ये सच है, खालसे दी तलवार जदों मुगलां दीयां जड़ां च जाके वजी ते मुगल नहीं रहे, जिथे जिथे उहनां तलवारां मारियां उहनां दीयां जड़ां उखाड़ दित्तियां, पर जदों उहनां दी तलवार अपने लहू दे विच उतरन लग पई ते फिर वेखो हुण किन्ने भेद भाव पैदा हो गए ते एक दूजे नूं मारन ते तुले होए ने। माता जी ने मिठाई मिठास पतासे लिया करके अमृत दे विच पाए ते सतगुरु कहिंदे मेरे खालसे विच आपसी प्रेम बड़ा होवेगा। इस तरह भाई रतन सिंह जी कहिंदे जल मद आन मिठाई पाई, माता जी ने जल विच लिया के पतासे पाए हन। इस तरह गुरू साहिब जी ने जिहड़ी करद सी कृपान सीगी ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਡਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀਰ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਧਾਰ ਬਾਟੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਟੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਟਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਦ ਰਾਖੀ ਕਰਦ ਗਡਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਦ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਗਡਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਖੰਡਾ 3.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਖੰਡੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
असल में जिहड़ा खंडा होंदा ना वह दो धाली तलवार होंदी है, उहदी धार जिहड़ी है ना वह दोनों पासे होंदी है। जिहड़ा खंडा असीं अज वेखदे हां असल में यह खंडे का रूप नहीं। तो दास ने एक बचन सरवण किया, पढ़न भी प्राप्त होया क्योंकि बड़ी ही गहरी साजिश सी जदों मर्यादा बदली गई। पहला वड्डे खंडे नाल अमृत तैयार किया जाता सीगा, तो अंग्रेजों के समय वह छोटा खंडा बना दिता गया जिहड़ा अजकल खंडा अमृत वास्ते वरत्या जाता है। तो साध संगत जी समय समय नाल ही फर्क पिया ना, जिहड़ी दस्तार अज बन्नी जाती है जिहड़ी चुंझ वाली पग ये गोरियां तो शुरू हुई है, पहला गोल दस्तारा ही बनिया जांदियां सन, गुरमुखी दस्तार हुंदी सी, चुंझ वाली नहीं सी हुंदी। हालांकि गुरमुखी दस्तार कह देंदे जिहड़े सिंह साहिबान अजकल बनदे ने उहनूं गुरमुखी दस्तार भी कह दिता जांदा, खैर उहदे विच ज़्यादा चुंझ नहीं हुंदी। पर ये दस्तार की जिहड़ी मर्यादा है ये अंग्रेजां ने शुरू कीती जदों अंग्रेजां ने सिखां नूं फौज विच भर्ती किया तो वह बनदे सन ये जिहड़ियां दस्तारां। ते इस तों पहला महाराज ने सुंदर दमाले जिहड़े सन, मेरा गुर मिल उच दमालड़ा, ये बचन भी बाणी विच आउंदा है गुरमुखो, ये दमाले ही गुरु के सिख जिहड़े सन उह सजाया करदे सन। भावें तुसीं पुरातन फोटोआं वेख लो, हरी सिंह नलूआ उहनां दी पुरातन फोटो वेखण नूं मिली, गोल दस्तार ही उहनां ने बन्नी होई सी। सो इस प्रकार साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने खंडे नाल अमृत तैयार किया, श्री सतगुर सतनाम कहो करता पुरख उदार। सब तो पहला अरदास बेनती की गई, उपरंत श्री जपजी साहब जी का पाठ किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इस तरह श्री जपजी साहब जी की आरंभता की। सतनाम जी का नाम सच है, श्री जो श्रोमणी है ओंकार जिहड़ा आकार तो रहत सारी सृष्टि नूं पैदा करन वाला पालन वाला मेटन वाला है, करता पुरख उचार करता सारी सृष्टि नूं बनाउण वाला ते पुरख जिहड़ा सारिआं विच व्यापक है। अकाल अकाल जाप कर तोरी कृपा निज धार। अकाल अकाल दा जाप जप के महाराज ने खंडे बाटे दी पौल जिहड़ी तैयार कीती है, हे अकाल पुरख तेरी कृपा नाल ही सारा कुछ होया है। पंज बाणियां दा जाप जप के उपरंत जिहड़ी आपां अरदास करदे आ ना, प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक नहीं ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाए, ये पौड़ी महाराज ने उदों जोड़ी है। प्रथम भगौती भगौती जिहड़ी है ये परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू की वह शक्ति है जिहड़ी सारे संसार नूं चला रही है। भगौती श्री साहब नूं भी आखदे ने, सब तो पहला मैं उस अकाल पुरख नूं सिमर के, प्रथम भगौती सिमर के, सब तो पहला अकाल पुरख जी नूं सिमर के गुरु नानक लई ध्याए, मैं गुरु नानक साहब जी नूं ध्याउंदा हाँ। इस तरह गुरु साहब जी ने जिहड़ी प्रथम भगौती वाली वार की पहली पौड़ी जिहड़ी अमृत वेले उह जोड़ी है। सतगुरु महाराज ने गुरु नानक साहब अकाल पुरख तो लै करके नौवें पातशाह जी तक इस तरह पौड़ी नूं जोड़िया है। अरदास कीती ते अरदास करके नौ पातशाहियां नूं अरदास दे विच ध्याउणा कीता है, ते फिर अरदास कीती महाराज हुण दसवें जामे दे विच आप जी अपना सरूप धारण करके आयो ते कृपा करो, आप जी ने साडे उपर भी कृपा करनी। इस तरह दसवें पातशाह अरदास करदे ने आप जी ने मेरे अंग संग सहाई होना। साध संगत जी चंडी दी वार दा जाप कीता गया महाराज ने जदों अमृत तैयार किया है, उपरंत जिहड़े 32 सवैये श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दी बाणी है जदों मध आउंदा उपरंत बाणी आउंदी है, ते 32 सवैयां दे विच गुरु साहिब जी ने सिखां नूं उपदेश बख्शिश कीता है, उस समय सिखां दे जिहड़े हालात सन उहनां दे विच उचारण कीते गए। वैसे तां गिणती दे 33 सवैये ने पर इत्थे 32 सवैयां दा जिक्र आया है,
वैसे 33 सवैये ने जिहड़े लिखती रूप दे विच प्राप्त हुंदे ने। इस तरह महाराज ने उन्हां सवैयां नूं उचारण कीता है। सतगुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद राहीं इन्हां नूं उचारण कीता है। इस प्रकार तेज प्रताप वाली जिहड़ी चंडी दी वार दी बाणी है, जदों अमृत सतगुरां ने तैयार कीता ते चंडी दी वार दा जिहड़ा जाप उह सतगुरां ने कीता है। साध संगत जी, चंडी दी वार बड़े किंतु परंतु लोग करते ने अज कल भी। देवी की उस्तत है, ये देवी की उस्तत नहीं, अकाल पुरख की उस्तत है चंडी दी वार जिहड़ी है। पर जदों कोई इहनूं ध्यान दे नाल पढ़े समझ उदों आवे ना, असीं सोचदे हाँ असीं हाँ खूह दे डड्डू, आ जिवें खूह विच डड्डू सी ना, कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ। भगत रविदास जी कहिंदे वी खूह विच कूप खूह दादरा डड्डू, जिहड़ा खूह दे विच रहण वाला डड्डू आ उहनूं थोड़ा किस देश विदेश की सोझी हुंदी है, उहदे वास्ते तां खूह ही सारा कुछ है। असीं खूह दे डड्डू बन गए। चंडी दी वार, ये वार उस अकाल पुरख की शक्ति की वार है जिन्हें संसार विच आद तो लैके हुण तक दुष्टां दा घात कीता, चाहे उन्हूं भगौती तलवार नूं कह लो जिहड़ी गुरु साहब जी दी गात्रे विच सी। वेखो कड्डी वड्डी ताकत है, भगौती दसवें पातशाह दे गात्रे विच रहिंदी है। वह भगौती जिन्हें मुगलां दी जड़ हिला दित्ती, ये परमात्मा की आदि शक्ति भगौती, तो आप ही अकाल पुरख भगौती का रूप धारण करके, शस्त्र का रूप धारण करके संसार विच दुष्टां दा घात करदे ने। चंडी दी वार जिहड़ी ये बड़ी प्रतापी बाणी है दसवें पातशाह दी। देवते ते दैंतां दे जंग का जिक्र गुरु साहब ने किया, तो बचन आया सी ना, तैं ही दुर्गा साज कै दैंतां दा नाश कराया, उत्थे नहीं पढ़ होया तुहाडे कोलों। उंज तां देवी चक मारन लग पई, तुहानू भी देवी दी उस्तत कर दित्ती। महाराज कहिंदे तू ही दुर्गा नू साजिया। दुर्गा किहनू कहिंदे ने? दुर्गा, दुर नाम बुरे दा, गा नाम गाउण वाली शक्ति दा। ओ परमात्मा दी शक्ति जिन्हें बुरियां नू गा दिता, नाश कर दिता। चंडी, चंड नाम दे दैंत नू मारिया, ना चंडी पै गया। परमात्मा नू कहिंदे ना भी तू केसा धारी है, केसव कह दिता भी तेरे केस ने, तां केसव कह दिता अकाल पुरख नू। सुंदर स्वरूप है ते अकाल पुरख वाहिगुरु नू श्याम सुंदर कह दिता। बाणी अंदर गुणा करके बयान कीता गया ना, आख्या तू करता है, क्यों तू सारिया नू करन वाला कुम्हार ने घड़ा बनाया, मिट्टी दे भांडे बनाए, लोगों ने कुम्हार आख्या ही ना, नाम पै गया। परमात्मा की शक्ति ने चंड नाम का दैंत खत्म किया, उहदा नाम चंडी पै गया। इस करके लोग वहम करते ने भी कितने कोई देवी ना होवे। किते दास नूं एक सिंह मिलिया, मैनू नगर का वैसे नाम विसर गया, वह कहिंदे साडे नगर विच गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज आए, तो उत्थे आ के उन्होंने चंडी दी वार का पाठ किया। बड़े पुराने स्रोत पे हुए ने इस तरह के, जिन्हां विच साबित हुंदा कि महाराज चंडी का जाप आप करते सन, तो सिखां नूं हुक्म देंदे सन। लोग एवें शंका करते हैं, कहिंदे साडे नगर विच चंडी दी वार का उन्हां पाठ किया, उपरंत खंडे बाटे की पौल तैयार करके ते सिखां नूं अमृत छकाया दसवें पातशाह ने उत्थे। सो इस करके साध संगत जी, ये बाणी जिहड़ी बड़ी तेज प्रतापी बाणी है, तो कई आखते ने भी गुस्सा बड़ा आउंदा चंडी दी वार पढ़ के। गुस्सा नहीं आउंदा भाई, ये तां तुहाडा वहम ही है। जिहड़े नहीं पढ़ते वो किहड़ा भी ठंडे पानी नाल नहा के शांत रहिंदे ने, गुस्सा तां सभ नूं ही आउंदा। ये थोड़ा भी चंडी दी वार पढ़न वाला ज़्यादा गुस्सा करदा, ऐसा नहीं। चंडी दी वार दी बाणी पढ़ के मनुख दे अंदर बाणी दा तेज प्रताप रहिंदा, उहदा तेज प्रताप वध जांदा आ, वीर रस विच उह हर टाइम रहिंदा है। इस करके दसवें पातशाह जी ने वह बाणी जिहड़ी उत्थे उचारण कीती, ते त्रिभंगी छंद जिहड़ा भाई साहब ने लिखिया है, खग खंड बिहंडंग खल दल खंडंग, ये जो शस्त्र है, ये जो तलवार है, जिहड़े खल मूर्ख ने, मूर्खां दा जिहड़ा दल है उहनूं टोटे टोटे करन वाला है। आतरण मंडंग बर भंडंग, ये तलवार जिहड़ी है, बर बल, क
कहिंदे श्रेष्ठ जिहड़ा बल है उस बल नूं धारण करन वाली ते अत दा जिहड़ा जंग है ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਇਹ ਭਗਉਤੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਜ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਖੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਰ ਬੰਡੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਲ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਆਤਰਣ ਮੰਡੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੰਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਗੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਣੰ ਕਿਲ ਵਿਕ ਹਰਣੰ ਅਸ ਸਰਣੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਭੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤਿਅੰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੁਰਮਤ ਹਰਣੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮਤ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮਤ ਦਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਤੂੰ ਤਬਰ ਤਰਵਾਰ ਨਾਮ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਜੋਜ ਪੈ ਭਏ ਸਿੰਧ ਭਵ ਭਾਰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰੀ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਦਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਲ ਵਿਕ ਹਰਣੰ ਅਸ ਸਰਣੰ ਕਿਲ ਵਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸ ਸਰਣੰ ਅਸ ਨਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਭਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਪ੍ਰਾਣ ਜੈ ਤੇ ਗੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਭਾਰਨ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੈ ਤੇਗ ਉਸ ਤੇਗ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਚਰੇ ਭਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਲਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਅੰਚਰੀ ਭਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨ ਲਲਕਾਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਚਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਰ ਜਾਪਜ ਪਾਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜ ਸ਼ੀਸ਼ ਅੰਚਰੀ ਪਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ ਪੰਜ ਪੰਜਨ ਦਈ ਚ ਪਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲੇ ਸਨ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਚੋਲੇ ਛਕਾਏ ਪੰਜ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ ਸੁਨਹਿਰੇ
उस तो उपरंत एक सुनहरे विच एक बाटे विच फिर सारिआं नूं बाद विच अमृत छकाया है। किसी प्रकार का भिन्न भेद गुरु साहब जी ने नहीं रखिया। एक बाटे विचों अमृत छकाया, बाद विच फिर उही बाटा लैके कले कले जाने नूं उसे बाटे विचों ही अमृत छकाया, अमृत दीआं घुट्टां छकाईआं हन। इस प्रकार चार वर्ण ते जिहड़े चार आश्रम हन, उहदा भेद भरम खत्म करके ते उन्हां ने जिहड़े जनेऊ ते टिक्के आदिक धारण कीते सन उतार के उन्हां नूं शस्त्र पहना दिते हन। इस प्रकार कलगीधर दशमेश पिता जी ने फिर जिहड़ी रहत मर्यादा जिहड़ी आ अपने खालसे नूं बख्शिश कीती है। हुक्म होया कि जिहड़े मीणे बाबे पृथ्वी चंद दी अंश बंश उन्हां दे नाल नहीं वरतना ते मसंदां दे नाल मेरे खालसे ने मेल नहीं रखना। जिहड़े गुरु घर दी माया छक के डकार मार जांदे ने उन्हां नाल भी मेल नहीं रखना। कुड़ी मार जिहड़े लड़कियां नूं मार देंदे ने, मुंडियां दी लालसा हुंदी है ना भी साडे घर विच लड़का पैदा हो जाए, उन्हां दी लालसा दे चक्कर दे विच कुड़ियां मार देंदे। पहले तां जदों जन्म लैंदी कुड़ी उदों ही मार देनी, उन्हां ने घड़ियां च पा के रख आउणी, जमीन च दबा देनी, दाइयां ने सराहणा रख के खत्म कर देनी। अज कल तां वैसे ही भ्रूण हत्या करी जांदे ने। जिहड़ा कुड़ी मार उहदे नाल नहीं मेल रखणा खालसे ने। राम राइए राम राय की संगत जिहदा आपां इतिहास भी थोड़ा जिहा संखेप सरवण कीता सी पिछे, उहनां दे नाल मेरे खालसे ने मेल नहीं रखना। नड़ी मार तंबाकू खाने सिगरटां पीण वाले उहनां दे नाल मेरे खालसे ने मेल मिलाप नहीं रखना। ते जिहड़ा इहनां नूं मिलेगा ना उह खुआर ही होवेगा जिहड़ा इहनां दे नाल मेल रखेगा। मेल रखण दा भाव है कि रोटी ते बेटी दी सांझ नहीं करनी इन्हां दे नाल मेरे खालसे ने। राम राइए मसंद मीणे नड़ी मार कुड़ी मार दे राम राइए, इन्हां नाल मेरा खालसा कदे भी मेल नहीं रखेगा। इस प्रकार सिर गुमीए जिन्हां ने केस कतल कराए होए उन्हां दे नाल भी मेरा खालसा मेल नहीं रखेगा। अज कल लोग कहिंदे ना तुसीं रोला सुनिया होणा, जिन्हें अपनी जेब भरनी हो बयान देंदा आ गोलक च ना पैसे पाओ, यही कहिंदे ने ना। देखो जिन्नियां संस्थावां ने जथेबंदियां सत्कारयोग ने, पर जिहड़े गुरु नानक साहब दी घर दी मर्यादा दे खिलाफ ने साढ़े कुछ नहीं लगते। साडा बोलना फर्ज है, कहना फर्ज है, असीं उहनां दे पिछे लग बड़ी छेती जाने आ। आखे जी भी गुरुद्वारा साहब पैसे ना चढ़ाओ, अमृतसर पैसे ना चढ़ाओ, गोलक च पैसे ना पाओ, क्यों बई तुहाडी जेब च पा देना, मतलब तो यही है ना भी जे तुसीं गुरुद्वारे पैसे नहीं चढ़ाओगे तो साडी जेब च पै जाणगे, साडी जेब च पैणगे, असीं चंगा घर खरीद लवांगे, लख डालर इकट्ठा हो गया, 2 लख पाउंड इकट्ठा हो गया तो ला देंगे 10-15-20-25 हज़ार, इन्ना लग गया तो बाकी तो अपना ही है ना, किने थोड़ा किसी ने थोड़ा पुछना। जे ने कोई सोसाइटी कोई संस्था बनाई है उहदा फाउंडर है, पैसे तो उहदे ही ने ना, कोई हिसाब थोड़ा मंगेगा उहदे कोलों, जदों हिसाब मंगना उदों तां उहने उंजी मैल खड़े कर लैणे ने। किसी की विरोधता नहीं, कोई समाज की सेवा करदा संसार की सेवा करदा, पर खालसा जी गुरु नानक साहब के घर की मर्यादा जिहड़ी जिहड़ा उहदे ते किंतु परंतु करेगा गुरु नानक साहब के घर का सिख नहीं हो सकता। इस करके यथा योग माया गुरु की गोलक विच सिख ने पाउणी है। ये थोड़ा आख्या भी जिहड़े लोकां समाज सेवियां की सेवा करते भी उन्हां दीआं जेबां भर दिओ, ये थोड़ा आख्या महाराज ने। अमृतसर साहब तो बड़ी तकलीफ हुंदी दरबार साहब तो, उत्थे गोलक च पैसे ना पाओ, उत्थे नहीं पैसे पाओगे तो भल्यो एडे कार विहार किवें चलणगे। 2 लख संगत हर रोज़ आउंदी अमृ उत्थे आ के प्रशादा छकदी है, गरीब लोग आके लंगर छकते हैं, हर तरह की वो मदद करते हैं। असी ये वेख लिया भी फलाना खा गया पैसे, फलाना पैसे खा गया, पर कदे दूजा पक्ष भी वेख्या कि उत्थे हर समय अमृत की वर्खा होंगी गुरबाणी के कीर्तन की, किन्ने जथे कीर्तन करते हैं सिंह साहबान, उतों का खर्चा है लंगर का खर्चा, वो सारा संगत के आसरे चलता। पहला अवदाली ढाँदा रहा,
ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਕਿਉਂ ਅਬਦਾਲੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਾਸ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਗੁਰ ਗੋਲਕ ਪਾਇਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਰੁਪਈਆ ਪਾਓ 2 ਰੁਪਈਏ ਪਾਓ 100 ਰੁਪਈਏ ਪਾਓ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਪਾਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਉਣੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾਓ ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਗ ਛਕਾਉਣੀ ਹੈ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਕੇਸ ਕੰਘਾ ਕੜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕੋ ਦੀਨੋ ਪਾਏ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਗ ਸਨ ਤੇਗੇ ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਚੱਕਰ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੈ ਮੁਖੋਂ ਕਾਰਜ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਦਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਵ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਸਨ ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਖੋਂ ਅਕਾਲ ਜਪਾਏ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਇਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਭਾਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।